नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। महोबा विकासखंड पनवाड़ी की ग्राम पंचायत दिदवारा की ग्राम प्रधान ने खंड विकास अधिकारी को सचिव के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि दिदवारा ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गांव में किए जा रहे विकास कार्यों में 50% कमीशन की मांग की जा रही है। न देने पर कार्य को अधूरा छोड़ दिया जाता है, इसी कारण से गांव का विकास अधर में लटका हुआ है। ग्राम प्रधान रवि पटेल ने बताया कि उसके ग्राम पंचायत में गौशाला के निर्माण कार्य तथा नाला निर्माण कार्य एवं ग्राम में हो रहे अन्य कामों में 50% कमीशन की मांग सचिव आलोक द्विवेदी के द्वारा की जा रही है। कमीशन न देने पर काम के भुगतान न किए जाने की धमकी देते रहे, जिससे गांव में विकास ठप पड़ा हुआ है। ग्राम प्रधान ने खंड विकास अधिकारी से मांग की है कि उनके गांव में तैनात सचिव को हटाते हुए कड़ी कार्रवाई भी की जाए, जिससे गांव का विकास हो सके। जनपद महोबा बुंदेलखंड भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है प्रधान जी? मेरा नाम है रवि पटेल। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम दुदवा। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि मतलब गौशाला में जो लोग 50% मांगते हैं, ठीक है, और जो किसान हुए हैं उससे भी कम डिमांड लगा रहे हैं, 50% रुपया मांग रहे हैं। और गांधी जी नल सामग्री अन्य चीज़ें हैं वो उसमें भी 50% मांग रहे हैं, सफाई में 50% मांगते हैं, और जो डोंगल अपने पास रखते हैं तो जितना अपने हिसाब से पेमेंट लगवा रहे और बाकी परेशान कर रहे। बाकी अगर नए नए पैसे दो तो फिर जो उनमें बाधा डाला मतलब पेमेंट वेमेंट में विकास काम में दिक्कत कर रहे बस। हाँ, मैंने बी डी ओ साहब को आज एप्लीकेशन दी है और मेरे हमारे यहाँ के सचिव हैं आलोक द्विवेदी, आश्वासन नहीं मिला, अभी मिली नहीं है। हमने बाबू हम दिया के आए हैं एप्लीकेशन, उसमें हमने मुकर के दिया है, मतलब हमें एक कॉपी भी वापस की हो मतलब लिख के दी। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।